इट्स टाइम फॉर हैविंग सम गोल में और इसके बारे में बात करते हैं। सो वेलकम टू वीडियो, आई होप यू गाइस डूइंग वेल। एंड डोमिनोज ने अब निकाले फिर से नए पिज्जा, ठीक है, जो मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, ओवरली एक्सपेंसिव है हमारे हिसाब से। तो यस, हमारे हिसाब से एक्सपेंसिव है, मुझे लगता है काफी लोगों को लगेगा। आई थिंक यूजुअल ऑडियंस के लिए एक्सपेंसिव है। सो इट्स टाइम फॉर, सब लोग मुझे कहते हैं जा भाड़ में, हाँ? मैं कहता हूँ हम दोनों चलते हैं गौर में। हाँ, ये है, हाँ, ये भी ठीक ठीक ठाक थी। सो इट्स टाइम फॉर हैविंग डोमिनोज के नए गौर में पिज्जा ओनली फॉर यू गाइस। ओके, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यानी भाई साहब को बताएंगे हमने आज कौन से पिज्जा मंगाए गोरमे वाले सेक्शन में से, ठीक है। एंड ये वीडियो नॉन वेजिटेरियन गोरमे पिज्जा की है, तो भाई साहब बताएंगे वो प्राइस होता है। भाई साहब बताओ। ओके, हमने मंगाया है चिकन पेपरोनी गोरमे पिज्जा फॉर 849 रुपीज एंड स्मोक चिकन गोरमे पिज्जा फॉर 849 रुपीज। दोनों 850 रुपीज के बेसिकली, एंड ये विदाउट टैक्सेस है, ठीक है। तो अगर टैक्सेस के साथ आपको सुनना है, हमने स्विगी से ऑर्डर किया था, टैक्सेस हमने इसको पे करा है, हमने टोटल 1800 रुपीज, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पिज्जा है मेरे हिसाब से। तो यस, आपके साथ एक 2000 का नोट है, तो उसमें से दो पिज्जा आएंगे। एग्जैक्टली, एंड ये मीडियम साइज पिज्जा है। एंड इसके साथ एक बॉक्स मिलता है, इसका नाम है मतलब बेसिकली एक बॉक्स है, इसके अंदर आपको क्या मिलता है वो हमको बताएंगे, सीक्रेट है। हाँ, आप देखोगे अभी। पहले कौन सा पिज्जा खाएं बता। पहले खा लेते हैं हम स्मोक चिकन वाला, ठीक है। पहले स्मोक चिकन खाते हैं, फिर चिकन पेपरोनी खाते हैं, ठीक है। चिकन पेपरोनी है, लेट्स हैव स्मोक चिकन फर्स्ट, आ जाओ खाते हैं। ओके, सो इट्स टाइम फॉर हैविंग अ फर्स्ट गोरमे पिज्जा जिसका नाम है स्मोक चिकन। एंड चिकन के अंदर इनके पास है तीन पिज्जा, हमने आज दो मंगवाए हैं क्योंकि मुझे लगता है तीन खा सकते हैं। तीन आपको कौन खा सकता है, बट वो भी खा देंगे। तो इसके साथ ये बॉक्स मिलता है, ठीक है, स्पेशल इंग्रेडिएंट बॉक्स है ये। एंड इसके अंदर ऑब्वियसली यू गोइंग टू गेट फ्यू थिंग्स, जैसे इसके अंदर ओरिगेनो मिलेगा, देयर सम पार्मेसन चीज या पार्मेसन चीज, एंड देन फ्यू टिश्यूज, एंड देन देयर इज अ गाइड एंड आई गेस मेन्यू कि कौन कौन से पिज्जा है इनके पास। ओके, एंड देन देयर इज ऑलिव ऑयल एज वेल। जो मेन चीज है वो है पिज्जा, यू नो, ये सब चीजें तो यू नो देयर जस्ट फॉर यू नो अट्रैक्टिंग यू, ठीक है। बेसिकली जस्ट फॉर शो बेसिकली। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। एंड अभी हम देखते हैं पिज्जा, एंड ये है हमारा स्मोक चिकन जो डिस्प्ले, हम सबसे एक्साइटेड हैं अभी पिज्जा के लिए। सो दिस पिज्जा इज फॉर अराउंड 900 रुपीस, एंड इसके ऊपर जो चीज है दे आर पुटिंग मोज़रेला, बट एक चीज होता है बोकाचीनी, ठीक है। तो ये वो चीज इसके ऊपर है, एंड ये ऑब्वियसली एक यू नो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज है जो इंडिया में ये सब चीजें चीज लोग यूज नहीं करते। देन देयर सम ब्लैक ऑलिव्स जो इनके बाकी पिज्जा में भी होता है, जो नॉर्मल हर पिज्जा में होता है। येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, एंड और क्या है, स्पेशल चिकन है, स्मोक चिकन है, एंड नथिंग एल्स, ठीक है। एंड वो चीज जो सबको बताया था, मोज़रेला भी है, बट वो चीज भी है इसमें जो आपको एक यू नो ऐसे दिख रहा है ना, एक ये व्हाइट स्पॉट्स है, वो वाला चीज है, गोल में चीज, मुंह में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। एंड तेरे को पता है कौन सी क्रस्ट है? नहीं, कौन सी है? ये हैंड टॉस थिन क्रस्ट, ठीक है। सो दिस इज अ न्यू क्रस्ट, यू नो, ऑल इन ऑल। तो ये डिफरेंट टाइप की क्रस्ट है, एंड अभी हम ये पिज्जा ट्राई करते हैं, बट उससे पहले वी आर गोइंग टू यू नो यूज ऑल दीस थिंग्स इसके साथ मिला है, जो उन्होंने बताया कैसे यूज करना है। तो इसके साथ है पार्मेसन चीज, एंड इसके ऊपर उन्होंने इसमें गाइड में दिया होगा स्प्रिंकल करना है, एंड अभी हम इसको इस पे डालते हैं, एंड लेट्स सी कि इससे क्या होता है। बट ये क्वांटिटी मेरे को लगता है थोड़ी सी और हो सकती है, बहुत कम है, आई थिंक। एक बार होता है ऐसा मिलता है, या बार तो मतलब शेकर होता है पूरा, जितना डालना डालो, यहां काफी कम दिया है। यस, तो ये है चीज, पार्मेसन चीज एंड ऑलिव ऑयल। ये ऑल्सो यू नो डिपेंड करता है आपको अच्छा लगता है नहीं, थोड़ा सा लेकिन नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा सा खट्टा टाइप आपको लग सकता है अगर आप पहली बार ले रहे हो। इसके ऊपर ऐसे हम ड्रिजल करेंगे हल्का सा, ठीक है। अगर जैसे आप बाकी जाओगे ना पिज़्ज़ेरियास में जो होते हैं गोरमे वाले, तो वहाँ पर तो पूरा भर के देते हैं इससे। तो हमने ये सब डाल लिया, ठीक है, जो इन्होंने इंग्रेडिएंट्स दिए थे। लेट्स कीप दिस बॉक्स असाइड, वेरी एक्साइटेड नाउ। ओके, तो भाई साहब ट्राई करें इस पिज़्ज़ा को, जरूर ट्राई करते हैं। मुझे पानी आ रहा है अ लॉट, क्योंकि मेरे को डोमिनोज का पिज्जा, इसके बाद एक चीज बताता हूँ जो मुझे प्रॉब्लम पिज्जा से थोड़ा सा टूट गया। तो भाई साहब आप ले लो, मैं ले लेता हूँ, कोई बात नहीं है, पढ़ा भी लेता आज छोटा वाला स्लाइस। ओके, तो ये है इनका पिज्जा, लेट्स ट्राई दिस गोरमे पिज्जा। ऑलवेज से नफरत है, बट आज तो खा ले भाई, एक 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 टॉपिंग की वैल्यू है इसमें। लेट्स ट्राई स्मोक चिकन पिज्जा, गोरमे पिज्जा, गोरमे पिज्जा, लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई। ओके, अनदर बाइट। मुझे फर्स्ट बाइट में बेसिकली हर चीज मिल गई है, आई थिंक टेस्टी बहुत ज्यादा है, नो डाउट, राइट, टेस्टी है, बट प्राइस के बहुत है ही नहीं, आई डोंट थिंक प्राइस के बहुत है, 850 रुपीस तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज दूसरे जो पिज़्ज़ेरियास होते हैं इससे सस्ता दे देते हैं। मैं इसको खत्म करूँ फिर, तब तो तू बता। जो दूसरे पिज़्ज़ेरियास होते हैं वो इससे सस्ते में रहते हैं, एंड यू कैन से ऑलमोस्ट सेम और बेटर फ्लेवर देते हैं। ये नॉट बैड, टेस्टी है, बट आई थिंक वेरी ओवर प्राइस्ड, लाइक मेजरली ओवर प्राइस, 850 रुपीस तो बिल्कुल नहीं, मैक्सिमम आई थिंक 650 रुपीस और 600 रुपीस के लिए होता होना चाहिए। ऑब्वियसली, नाउ अनदर पॉइंट, यू नो व्हाट आई वांट टू ऐड टू दिस थिंग,
जो भी इसने बोला वो सब ठीक है ठीक है, बट इसके अंदर बहुत ज्यादा टेस्ट तो डोमिनोज के पिज्जा का ही आ रहा है। एग्जैक्टली, काफी एक सिमिलर फ्लेवर है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि 900 रुपीस फॉर दिस थिंग, नॉट एट ऑल, कहीं लगता। एंड एक और चीज, अगर आप यू नो अराउंड 100 रुपीस खर्च करोगे विद टैक्सेस, आपको लग जाएगा इतना, तो आप डोमिनोज का जो आउटलेट है, अगर आप उस आउटलेट को देखो ठीक है कैसा बना होता है, वो एक बहुत ही फास्ट फूड टाइप का आउटलेट है ठीक है, वहां पर ऐसा कुछ आपको फाइन डाइनिंग नहीं मिलेगा। बट देन देयर आर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स ठीक है जो इतने प्राइस में पिज्जा देते हैं, लाइक जेमीज पिज़्ज़ेरिया एंड ऑल, जो आपको एक अच्छा फाइन डाइन रेस्टोरेंट मिलेगा एंड उसमें बेटर एक्सपीरियंस भी है बैठने में। प्लास्टिक चेयर्स नहीं होती है वहां पर ढंग की चेयर्स होती है, देयर गुड टेबल्स, वुडन टेबल्स, तो अगर आप वहां बैठ के खा रहे हो देन यू ऑब्वियसली यू नो योर एक्सपीरियंस सेम ही प्राइस एंड बट ज्यादा प्राइस या वो ज्यादा प्राइस भी है फ्राइज से। ओके, सो टाइम फॉर सेकंड पिज्जा, सेकंड गोरमे पिज्जा फ्रॉम डोमिनोज, इसका नाम है चिकन पेपरोनी गोरमे पिज्जा, एंड ये बॉक्स सबके साथ ठीक है मिलेगा, सेम चीज है बेसिकली हर पिज्जा में आते हैं, तो इसके अंदर भी वो सब चीजें हैं, बट अभी आते हैं पिज्जा के ऊपर सीधा ठीक है। तो ये है इनका पिज्जा एंड इसके ऊपर पेपरोनी है, देन दैट चीज एंड वो जैसे बताया था आपको बोकाचीनी जैसा चीज होता है वो है इसमें, बोकाचीनी ठीक है। एंड इसके ऊपर बॉक्स है, तो इसके साथ भी पार्मेसन चीज है एंड इसके साथ भी ऑलिव ऑयल है, एंड ऑलिव ऑयल की जगह अगर इसमें कुछ और होता तो ज्यादा बेटर लगता। आई डोंट थिंक इसके साथ ऑलिव ऑयल इस वाले पर्टिकुलर के साथ जाता है, बट वी विल डू ऐड एवरीथिंग। एंड इस पेपरोनी इसके ऊपर ज्यादा है, नो डाउट, नॉर्मल बहुत ही ज्यादा है, नॉर्मल वाले से जो नॉर्मल इनका पिज्जा आता है ना वो वाला पेपरोनी वाला उससे ज्यादा है। तो तुझे देखने में कैसा लग रहा है कुछ स्पेशल? Of course you can say it is top more, ज्यादा टॉपिंग्स है, बट वैसे कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं दिख रहा मेरे को, नॉर्मल दिख रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये पिज्जा जो सा है इसको डाल दिया हमने पार्मेसन चीज़ के ऊपर, एंड ऑलिव ऑयल एंड लेट्स सी कि क्या है। तो अगर आपको पहली बार आप ऑलिव ऑयल वगैरह खा रहे हो ठीक है इसके पिज्जा के साथ, सो मेक श्योर आप सारा ना डालो ठीक है, हो सकता है आपको ना अच्छा लगे इसका टेस्ट, बिकॉज डिफरेंट होता है, मैंने बताया था। नाउ लेट्स ट्राई दिस पिज्जा, देखने में इट्स गुड जैसे पेपरोनी वाला होता है, बट लेट्स सी व्हाट्स गॉट मी अबाउट दिस वन। लास्ट वाला तो मुझे कुछ नहीं लगा, तुझे लगा कुछ? लास्ट वाला तो बिल्कुल नॉर्मली था, कुछ ज्यादा खास नहीं। ट्राई दिस वन। ओके, तो भाई साहब ये लो बस, बट एक चीज है जो मुझे अच्छी लगी इस पिज्जा के, लाइक पर्टिकुलर गोरमे सीरीज जो भी है, क्रस्ट इज वेरी गुड, क्रस्ट अच्छी है, वो अच्छी है। एंड लेट्स ट्राई दिस पिज्जा एंड लेट्स सी व्हाट्स डिफरेंट अबाउट दिस वन नेक्स्ट टाइम। ये अच्छा है, मैं तो वाइट ज्यादा अच्छा है। तो ये पिज्जा है ना, ये डेफिनेटली लास्ट प्राइस इंप्रूवमेंट है जो स्मोक चिकन वाला है, एंड मे बी जस्ट मे बी ये प्राइस को डिस्ट्रॉय करता है, आई थिंक ये फिर भी ठीक है, वो वाला तो नहीं था इतना अच्छा, बट ये ठीक है, जैसे टॉपिंग्स बहुत ही ज़्यादा है एंड टेस्ट भी बहुत अच्छा करता है, तो आई थिंक दिस वन इज स्टिल फाइन फॉर द प्राइस। ये भी ठीक है, नो डाउट इसका टेस्ट अच्छा है ठीक है, चिकन पेपरोनी है इसमें, और कोई मीट नहीं, चिकन है ठीक है, टेस्ट इसका अच्छा है, बट यू नो द सेम थिंग जो मैं कह रहा हूँ, ऐसा तुझे कुछ डिफरेंस लग रहा है कि डोमिनोज के जो नॉर्मल पिज्जा होता है वो बिल्कुल नहीं है डिफरेंस, लाइक यू कैन से कि एक नॉर्मल एक डोमिनोज की क्रस्ट है ये वैसा ही डिफरेंस। इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर जो क्रस्ट है, जो डो है, उसके अंदर जो फ्लावर होगा वो अच्छी क्वालिटी का है मे बी, और जो ये तरीके से बना रहे हो वो अलग है, सॉस इज डिफरेंट, ज्यादा ऑथेंटिक टाइप की सॉस है, यू आर गोइंग टू टेस्ट मोर ऑफ बेसिल ठीक है, वो जो हर्ब्स होते हैं वो सब, देन चीज इज गुड ठीक है, तो जैसे वो जैसे रबर टाइप का होता है ना चीज घर पे पड़ा पड़ा पिज्जा, वैसा नहीं होने वाला, इवन तो अभी थोड़ा ठंडा हो गया ना शूट करते करते, स्टिल इट्स टेस्टिंग गुड, वेरी नॉर्मल लाइक जैसे होना चाहिए, सो उस पर्टिकुलर चीज में ठीक है, बट देन यू नीड टू थिंक यू नो बिफोर ऑर्डरिंग दिस थिंग, आपके घर के आसपास अगर लाइक काइंड ऑफ अगर जेनीज पिज़्ज़ेरिया है ठीक है जो हर जगह पे है, या फिर फॉर एग्जांपल अगर और कोई पिज्जा चेन है लाइक अगर पिज्जा एक्सप्रेस है, so then you prefer that for थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे डाल के आपको मिलता है, तो मैं तो इसको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसकी जगह पे ये पिज्जा लो ठीक है, you're going to get much authentic better and more authentic experience exactly। तो ये पिज्जा सुनसे हैं, they are like if you want to try you should try एक बार, you can try but I don't think ये एक repeatable चीज़ है, ज़्यादा लाइक वापस कभी खाएगा सेंस ही मत है, वहाँ बैठ के जब आप खाओगे ना तो आपको लगेगा पैसे बर्बाद हैं, वो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, रेस्टोरेंट एंड एम्बियंस बिल्कुल मैच नहीं करते। You can try these pizzas, they are good. And अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो थोड़े सारे खा लो, सारे खा लो, थोड़े से हमें भी दो, हाँ दे दो सही है, थोड़े से हम भी लेंगे ठीक है, पैसे ताकि हम भी खा ले गोरमे पिज्जा आपके साथ ठीक है। तो भाई साहब लोगों को जाने से पहले क्या करना है, लोगों को बता दो क्योंकि इनको पता नहीं, क्योंकि इन्होंने सारे पैसे गोरमे पिज्जा में उड़ा दिए। ये थोड़ा थोड़ा अगर मैं बताऊं तो न्यूयॉर्क स्लाइस है ठीक है, अगर आपको थोड़ा मैंने खाया नहीं न्यूयॉर्क का स्लाइस, तो जैसे वीडियोस में देखा है वो ऐसे टाइप का थोड़ा बहुत दिखता है, अगर आपने खाया आपको पता होगा ठीक है, मुझे नहीं पता ठीक है। सो टिल दैट कीप नॉविंग कीप ईटिंग एंड टिल देन बाय बाय।